अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी बाइक या गाड़ी उसकी अगर आप रजिस्ट्रेशन चेक करना चाह रहे हैं कि किस बंदे के नाम पर है, आपके नाम पर है या किसी भी दूसरे बंदे के नाम पर है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन गूगल की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पर आने के बाद आपने MTMIS उसके बाद स्पेस देनी है, फिर पंजाब लिखना है, लिखकर सर्च कर देना है। अगर आप सिंध वगैरह की कोई गाड़ी देखना चाह रहे हैं तो पंजाब की जगह आप सिंध लिख देंगे या बलूचिस्तान लिख देंगे, मतलब जिस भी सूबे की आप देखना चाह रहे हैं लास्ट में वो सूबे का नाम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो पहली वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैं आपको पंजाब की गाड़ी सर्च करके दिखाऊंगा कि किसके नाम पर है, ठीक है। तो जो पहली वेबसाइट हमारे सामने आ रही है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक फॉर्मेट बता दिया गया है कि आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने चार एग्जाम्पल दी हुई हैं कि आप इन चारों में से कोई भी तरीका जो है ना अपना कर चेक कर सकते हैं कि गाड़ी किसके नाम पर है। तो या मैं अभी बाइक की चेक करूँगा, तो जो चौथे नंबर पर दिया गया है तरीका, मैं वो वाला तरीका यहाँ पर टाइप करूँगा। तो गाइज यहाँ पर आपने गाड़ी का नंबर लिखना है। गाड़ी के नंबर आपने कैसे लिखना है, आपने इंग्लिश के जो तीन लफ्ज़ हैं वो लिखने हैं, उसके बाद आपने ईयर लिखना है, फिर उसके बाद जो है आपने गाड़ी का नंबर लिखना है। तो ये मैंने बाइक का नंबर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ये कैप्चा है, इसको फिल करेंगे, आई एम नॉट अ रिमोट, ये बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम ये सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर उस बंदे की तमाम डिटेल आ रही है। मैंने ये एक फ़र्ज़ी नंबर दिया था, ये मेरी बाइक नहीं है, मैंने अपनी बाइक का चेक किया था, उसके बाद एक फ़र्ज़ी नंबर दिया, पता नहीं कौन है। तो यहाँ पे जो है ना इसकी ये तमाम डिटेल आ रही है, ऑनर की डिटेल आ रही है, उसके बाद उसने जो लास्ट पेमेंट वगैरह की है उसकी डिटेल आ रही है, और उसके अलावा इंजन नंबर आ रहा है, मेक आ रहा है, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह आ रही है। तो तमाम डिटेल यहाँ पर आपको शो हो रही है। आप इजीली तरीके से अपनी बाइक की या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।